मैं आपके नारे मारूंगा, आपने नहीं मार रहे, मैंने मार रहे आपके नारे। बैठे देखे मैं तकरीर में ना, मेरी बात सुन ले, ओ बात सुनो भाई मेरी बात, मेरी तकरीर में नारे हो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, प्लीज खामोश। ओ मेरी बात सुनो ना भाई, हो गया हो गया हो गया नारा, सुनो ना बात मेरी भाई। रूह का जख्म पुराना है मगर ताजा है, रूह का जख्म पुराना है मगर ताजा है, यही आशुफ्त सरी देगी असीरी से निजात, यही आशुफ्त सरी देगी असीरी से निजात, सर सलामत है तो ये दीवार भी दरवाजा है, सर सलामत है तो ये दीवार भी दरवाजा है। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की इस तकरीब सईद की मेहमान खुसूसी हमारी बहन, हमारी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आजमूदा कार सियासी रहनुमा जनाब राजा जफर हक साहब, जमात के सेक्रेटरी जनरल जनाब प्रोफेसर एस इकबाल साहब, और इसी तरह से पाकिस्तान की मरकजी क़यादत और आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग के सीनियर साहब दरवेश जनरल सेक्रेटरी साहब, और ख़ास तौर पर कारकुनान मुस्लिम लीग नून और आप नौजवानों यूथ जो मेरी उम्मीदों का मरकज़ है, जो मेरे ख्वाबों की हम सबके ख्वाबों की ताबीर है अल्लाह के फजल व करम से, मैं आप सुनो ना बात मेरी, बच्चे मेरी बात सुनो, और मैंने आपको कोई तारीख भी बतानी है ना, ताकि आपको पता चले कि आपको आबाजा ने क्या किया। सुने मैं ऑर्गेनाइजर कमेटी का भी शुक्रगुजार हूँ, जो जिससे आपका सारे आज़ाद कश्मीर से हमारे सियासी कारकुन और यहाँ पर माजरीन जो रावलपिंडी में कुर्ब जवार में मुकीम है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आज 115 साल कबल ये सुने आप नौजवानों, कल आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। मैं और सुबह अपने मिनार साहब बात कर रहे थे, 115 साल कबल 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का क्या मामले में लाया गया था, और आपको पता होना चाहिए उस इमारत का नाम एहसान मंजिल था, एहसान मंजिल सर नवाब सरदार सलीमुल्लाह खान का घर, जहां पर लीग का क्या मामले में आया। और ये भी हमारे लिए फख्र है कि अल्लाह के फजल करम से लीग का क्या मामले में लाने वाले लोग कश्मीरी नस्ल थे, अल्लाह के फजल करम से आज भी जमात की क्यादत एक कश्मीरी नस्ल शख्स के हाथ में, जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये जो गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ वही है, मेरी बात सुनो भाई, अब मैं अपना सर बोलूंगा यार, या तू बोलो या मैं बोलूंगा, नहीं मैं इस तरह के डिसिप्लिन का मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर रहा दूंगा, ना बिल्कुल नहीं कर रहा दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा दूंगा, मैं जो मर्जी हो जाए, आप सारे नाराज हो जाए, बेशक होते हो, इस तरह पार्टियां नहीं चलती, ये कोई पीटीआई तो नहीं है भाई,
जब एक बात समझाई जाए उस पर करे नारे हम खुद मारेंगे आप और मैं इकट्ठे मारेंगे ताकि नारे लंदन जाए सीधा लीडर के पास और ये इधर भी जो बैठा है इसके पास इधर भी जाए। मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा था ये पाकिस्तान वैसे नहीं बना, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई, बेशुमार कुर्बानियां दी गई पाकिस्तान के लिए। 1940 की करारदाद पता होना चाहिए आपको, दो करारदादें पास हुई थी, एक पाकिस्तान की करारदाद जिसको करारदाद लाहौर कहते हैं, बाद में उसे करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया, और दूसरी फलस्तीन के हवाले से ये कायद आजम की क्यादत में दो करारदादें पास हुई, एक नहीं दो, कश्मीर उसके साथ फलस्तीन, ये लाजम मलजूम अल्लाह के फजल करम से दोनों मुसलमानों के मसले। ये मुसलमान आने हिंद को ये उनका तुरा बचाव है कि अपने मुल्क के साथ साथ उन्होंने एक और मुसलमानों के आजाद फलस्तीन के क्याम के लिए बात की। और जब साल 46 में जब इलेक्शन हुआ उसके अंदर ये यूथ MSF, उसको यूथ नहीं होती थी MSF होती थी, ये कायद आजम का हरावल दस्ता थी और एक ही इरादा था सारे हिंदुस्तान में कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। और उसकी मोमनाना की आदत में 10 साल के कलील अरसे में 1937 और 1947 दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत जमहूरी अंदाज में वोट के जरिए दुनिया के नक्शे पर कायम हुई, कोई मिसाल नहीं है इसकी मिलती दुनिया के अंदर कि जमहूरी जदोजहद के नतीजे में जो है वोट के जरिए एक जो है दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत एक मुल्क बन गया जिसका नाम पाकिस्तान। और ये भी आपको मैं बताऊँ जो हमारी लीडरशिप की क्यादत बैठी है लीग की के साल कायद आजम दो बार कश्मीर गए, एक साल 1936 में फिर 1944 में, असल दौरा उनका 1944 में था, वो जम्मू के रास्ते दाखिल हुए और कुवाला से फिर ये जो रावलपिंडी है यहाँ पर दाखिल हुए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ उस शख्स की सोच मुलाजा फरमाइए, जब वो वापस आए इस भारकों के मुकाम पर गाड़ी को खड़ा किया और कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल का दार खिलाफा इधर होगा। ये साल 44 की बात जून, और साल 44 में हमने अपना अपने आप को बानी पाकिस्तान हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में दे दिया कश्मीरियों ने, बदकिस्मती के साथ जो कश्मीर का सबसे बड़ा लीडर था शेख अब्दुल्ला उसने कायद आजम की बात नहीं मानी, उसने अपनी किताब में लिखा कि जब मैं मिलने गया जिन्ना साहब से तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला मैंने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का एतबार न करना। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि वो ये बात समझ ना पाया, और बाद में जब 9 अगस्त 1953 का जब उसको हथकड़ी लगाई उसके दोस्त ने जवाहरलाल नेहरू ने पैसे तो वो वजीर आजम था कश्मीर का, उसने कहा कि मैं धोखा खा गया इस कांग्रेस से, कायद आजम ठीक कहते थे लेकिन वो बाद में बाद इलाज वो बात बनी नहीं उसकी। जिस दिन साल ये 2010 में अल्लाह भला करे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बेशुमार साथी यहाँ पर मौजूद है, हम वहाँ पर गए पंजाब हाउस में, मैंने छोटी सी मुख्तसर गुजारिश की कि मियाँ साहब हम आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं आप हमारा हाथ थाम ले। अल्लाह भला करे उसका उसी वक्त उसने जो बाकी जो साथी यहाँ बैठे मैं नाम नहीं लेना चाहता लंबी बात हो जाएगी जिनकी एक कावशें थी कि आजाद शुभ ली का क्या मतलब मिला, वो लाया क्यों लाया, इसलिए कि जो सबसे पुरानी जमात थी कश्मीर के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसकी क्यादत तहलील शुदा नजरियात की हामिल हो चुकी थी। यह रिश्ता हमने दोबारा कायद आजम के पाकिस्तान के साथ जुड़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शक्ल में मुस्लिम लीग की शक्ल में, इसलिए ये वैसे नहीं है कोई इकतदार के लिए जमात नहीं बनी है जैसे आजकल एक कुछ लोटे इकट्ठे किए जा रहे हैं, तफसील बन जाते हैं, इसका नाम ही लेना जरूरत नहीं है, वो जो मतलब है उनका क्या मैं नाम लूँ, छोड़ो जी छोड़ो दवा करो और छोड़ो जी उनका किस नाम लेते अपना वक्त जया करते, खाम खा अपना मुँह जबान खराब होती है भाई। तो मेरी बात सुने जनवरी सुन ले मेरी बात, जनवरी 1947 को जो आखिरी इलेक्शन हुआ मुतदा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जमात बनी और इसी जमात की जनरल काउंसिल ने 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान की करारदाद इलाके पास की। अभी पाकिस्तान का क्याम हमने नहीं आया था, हमने पाकिस्तान के क्याम के से पहले अल्लाह के फजल करम से मुसलमानों ने जो रियासत जम्मू कश्मीर ने अपने आप को पाकिस्तान के साथ इलाक का फैसला किया। तो गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, यहाँ लीडरशिप बैठी है लीग की, वो दिल्ली में तकसीम कर रहा कश्मीर और इधर इस्लामाबाद में तकसीम किया जा रहा है। और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर 84,000 मरबा मील की रियासत नाकाबिले तकसीम बह देते हैं, इसको कोई तकसीम नहीं कर सकता। ये फैसला हमने कर रहा है, ये दिल्ली और इस्लामाबाद ने नहीं कर रहा है, ये फैसला हमने कर रहा है और हमने अपना फैसला किया हुआ है अल्लाह के फजल करम से। और मेरी बात याद रखना, मेरी बात सुन लो मेरे भाइयों, मेरी बात सुन लो कि आइंदा आजाद कश्मीर का इलेक्शन इस बात का फैसला करेगा कि इस मसला कश्मीर जिंदा रहना है या इसको खत्म करना है। ये मेरी बात, मैं खुदा मुझे, मैं किसी से डरता ही नहीं भाई, मेरी जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में, मैंने किसी से क्या डरना ना, ये कोई सियासी शोबदाबाजी बयान कर रहा हूं, आने वाले हालात से आपको वाकिफ कर रहा हूं। ये इलेक्शन या इसको कायम रख रहे हैं राय साहब और सेनेटर बशीर हुसैन सैयद साहब और मेरी बहन जो है मरियम और अपना प्रोफेसर साहब, ये 84,000 मरबा मील की रियासत अब 5,000 पर आ गई है। उधर उसने भेज दिया, इधर इन्होंने कर दिया, अब ये सारा रियासत जम्मू कश्मीर 5,000 मरबा मील पर आ गई है। और ये 1957 की करारदाद की सीरियन खिलाफ वर्जी, उधर से करे या कोई इधर से करे, दोनों को पाबंद किया उन्होंने। और मैं उन हजरात से कहना चाहता हूँ जो पाकिस्तान की सलामती के जामिन है, कि हमने अपनी ख्वाहिशात को कुचल कर बस बातें की है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने, आजाद कश्मीर के लोगों ने, आप कब तक हमारा इम्तहान लेते रहेंगे? जो कुछ इस हुकूमत ने यहां पर किया दर्ज फरमाया प्रोफेसर साहब ने, पता था सबको कि क्या होने वाला है, क्या इकदाम उठाए पाकिस्तान की हुकूमत ने। मुझे अफसोस है, मेरे पर कदगन यह है कि मैं वजीर आजम आजाद कश्मीर का मैंने हलफ उठाया होता है सरकारी बातों का, मैं बयान नहीं कर सकता, वल्लाह खुद बा खुदा ये सारे मेरे आगे ऐसे मेरी आंखें एक्सरे हैं, मैं सबका पोर्ट खोल सकता हूँ ये क्या करते रहेंगे। लेकिन बाखुदा राय साहब मेरी मजबूरी है, मुशायर हुसैन सैयद साहब मेरी मजबूरी है, मेरा दिल छल रही है इस वक्त, उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है। और जो कुछ 5 अगस्त को हुआ, जो मोदी ने किया कश्मीरियों के साथ, कश्मीर के साथ नहीं किया, उसे पाकिस्तान के साथ किया, हम तो भुगत रहे थे पहले उसके बजालम, उसे पाकिस्तान के साथ किया, क्या जवाब दिया आपने उसको? मुझे पता है ये क्या जवाब दिया उन्होंने आपको, आपने क्या जवाब दिया उसको? बानी पाकिस्तान जब जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे उधर अपना बलूचिस्तान में ज्यारत के मुकाम पर, तीन बातें उनके लफ्ज मुंह से निकलती थी, पाकिस्तान कश्मीर और माजरीन की बात करी, कोई चौथा नाम उसने नहीं लिया उस शख्स ने। यह मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, खबरदार करता हूं, आपको भी बता रहा हूं कि हम हमारी लाशों पर से गुजर कर आजाद फिर को सुबह बनाएगा, हमारी लाशों पर से गुजर कर जबरदस्ती हो जाए। और आपको भी कहता हूं अगर आप भी इनके साथ खड़े हो तो आपके खिलाफ भी जंग करेंगे, बखुदा आपसे कहता हूं, कश्मीरियों का खून इतना अर्जा नहीं है, 6 लाख कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी हैं, 11,000 मेरी बाहू बहनों की इस वक्त हुई है कश्मीर के अंदर, मेरे हमारे सैकड़ों बच्चे और बेटियां जिनकी आंखों की रोशनाई चली गई, उनकी उनकी आंखों की रोशनी छीन ली,
मैं बता दूं आपको बात, आपको भी कहना चाहता हूं, मैं साफ बात आपसे कर दी है मैंने, ये नहीं होगा ये। और मैं आपको ये बात करना चाहता हूं, अपने वोट की हिफाजत करनी है आपने अगले इलेक्शन में आजाद कश्मीर के अंदर। और यह भी बताना चाहता हूं, यहां गिलगित का ड्रामा नहीं होगा आजाद कश्मीर के अंदर। जो करेगा उसको हम तगड़ी करना चाहेंगे, उसको याद रखेगा उसने किस कौम के साथ जो है वो झगड़ा किया। अल्लाह के फजल करम से मियां नवाज शरीफ के कारकुन उसके 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 साथी उसकी जवाब देता है। आप 6 लाख कश्मीरियों के खून के अमीन हैं, आप 11,000 मेरी बहु बनू की इसमत जो दरी हुई है उसके अमीन हैं, आप उन सैकड़ों हजारों जो है जो नौजवान जो जिनकी आंखों की रोशनाई छीन ली गई उनका आप अमीन है, आप हजारों आजाद कश्मीर के रहने वाले बेबस सीज फायर लाइन पर रहने वाले लोगों के खून के अमीन है, आप कोई छोटी कौम नहीं है, आप 45 लाख किसी से कम नहीं है, आप 5,000 प्रभावित किसी से छोटे नहीं है, आपने पाकिस्तान में कश्मीर का परचम बुलंद रखना है आपने, ये मेरी बात याद रखे आप। बखुदा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बातें कर सकता था, इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे नौजवानों, आप हमारे माथे का झूमर है, आप इस कौम का मुस्तकबिल है, आपने इस परचम को सरबुलंद करना है, सब्ज़ लाली परचम को, आपने पाकिस्तान का लीग का परचम कश्मीर में सरनगू नहीं होने देना है आपने। हम इंशाल्लाह ताला हर उस कुवत का मुकाबला करेंगे जो पाकिस्तान सत्ता बारा रिश्ता कमजोर करेगी, मुझे इस बात पर इत्मीनान है कि जो वादे 2013 में लाहौर मॉडल टाउन में मुस्तफी की बरतरी क्यादत मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर के हवाले से किए गए थे, इसको बख्तियार बनाने में वो पूरे हुए। एहसन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, तरक्याती मामलात में आपने हमारी मदद की। मैं मियां साहब की जो बखुदा में आपसे कहता हूँ, जो शफकत मियां नवाज शरीफ आपके साथ करता है मैं भी नहीं आपके साथ कर सकता, मैं खुद कश्मीरी। उसके बाद शायद साहब ने, शायद खाकान अब्बासी ने हमारे साथ जो है जो काम किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं, मैं 2-3 बातें आपसे करके मकसद चाहता हूं, मेरी बात सुन ले। अब मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात बस पूछे, बस 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 बस। मैंने आपसे जो अर्ज किया कि 33 सीटें आज़ाद कश्मीर के अंदर है, 12 सीटें पाकिस्तान के अंदर है मुहाजरीन की, जिसमें 9 सीटें पंजाब के अंदर है। ये जो 12 सीटें मुहाजरीन और हमारी जो मरकजी जो जमात है वो उसकी वोटों की हिफाजत करेगी, इसकी आज़ाद की में इंशाल्लाह हम हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह, मिलता वैसे करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लीग की हुकूमत है, कोई कमजोर हुकूमत है, मुझे किसी की बिसाखियों की जरूरत नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। इंशाल्लाह ठोक बजाकर 4.5 साल हुकूमत की है, ठोक बजाकर अगले 6 महीने भी पूरा करेंगे। और हमने तारीख का धारा बदलना है, इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर को दोबारा तोता एक्सप्रेस से कामयाब कर रहे हैं। आपने
छोड़ो यार, इसको क्या है यार, इधर बात सुनो, छोड़ो, क्या है वैसे ही है वो, क्या है वो, है ना गालिब का शेर है कि कागजी है पैर हम पकड़े तस्वीर का, छोड़ो यार उसको। तो मैं अपनी तक बात खत्म करना चाहता हूँ और कुछ नारे लगाकर आपसे रुख्सत होना चाहता हूँ। सुन लो भाई बात, बस ओ भाई ओ बात सुनो, नारे में लगाऊंगा, वो बात सुनो, नारे में लगाऊंगा, जवाब तुमने देना, ना मारो अपने नारे, इस्लाम इसरा नहीं ना, इस्लाम पाकिस्तान कायद आजम मुस्लिम लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मरीम नवाज शोदाए जम्मू कश्मीर। शुक्रिया। किसका 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 इंतजार था, किसका इंतजार था।